देखिए ये बड़ा आसान सा तरीका है, आप आरोप लगा दें और फिर अपना पल्ला झाड़ लें। मूल बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद इसमें इन्वॉल्व है। मुख्यमंत्री के कहने पर विवेक माने उनकी पिटाई की, ये पहली पीसीआर कॉल में रिकॉर्डेड है। अब उससे ध्यान भटकाने के लिए सब कर रहे हैं, ये सब नौटंकी, ये सब जो मामला कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हमको अरेस्ट कर लो, ये सब कर लो, ये क्योंकि उनको पता है कि विवेक कुमार से जब पूछताछ होगी तो वो कहेगा कि मैंने वह सबका सब केजरीवाल साहब के कहने पे किया। जब केजरीवाल का नाम आएगा तो केजरीवाल की भी अरेस्ट होगी, जो उन पर भी कार्रवाई जो उचित कार्रवाई हो उनके खिलाफ होगी। तो सबका सब उनसे अपने आप से ध्यान भटकाने के लिए, अपने से फोकस शिफ्ट करने के लिए ये सब नौटंकी कर रहे हैं। क्योंकि पहली पीसीआर कॉल में उन्होंने कहा कि मैं सीएम के निवास पे हूँ, उन्होंने अपने पीए विवेक कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया, ये पहली पीसीआर कॉल है। अब इसका जवाब विवेक कुमार ने देना है कि किसके कहने पे उन्होंने पीटा और ऐसा क्या हो गया था जो पीटा। और सबसे बड़ी जो बात है कि वो पूरी पूरी सीसीटीवी फुटेज ही गायब हो गई है। तो देखता है कि ये बड़ा खेल है और ये मुख्यमंत्री निवास में, मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में हुआ, तो इसका जवाब तो मुख्यमंत्री को देना ही पड़ेगा और वह भी उतने ही दोषी हैं जितने विवेक कुमार है। लेकिन आपके मंत्री तो कह रही हैं कि ये मामला था, ये बड़ा रूटीन सा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है आम आदमी पार्टी का। जब भी कोई उनका व्यक्ति उनको छोड़कर जाता है, जब उन पर आरोप लगाता है, जब उनके साथ कोई ऐसी बात होती है, तो बड़ा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग की ये नहीं उस पर दबाव था, उस पर ये था ये था। परंतु जब आतिशी कुमार आम आदमी पार्टी में आई नहीं थी, ये उससे 10 साल पहले से आम आदमी पार्टी में या उनके एनजीओ में काम करती थी, उनकी सहयोगी थी अरविंद केजरीवाल की और खास सहयोगी थी। ऐसा क्या हुआ कि उनको ये करने पे मजबूर होना पड़ा कि उनकी पिटाई की गई। सब में मूल बात यह है कि इन्होंने जो उनकी सूची है स्टार प्रचारकों की, उससे उनका नाम निकाला और उसकी जगह सुनीता केजरीवाल का नाम रखा। वह इसकी जानकारी लेने के लिए उनके घर पे गई। अब वो कैसे हजम होता कि कोई ये पूछने आ जाए कि मेरा नाम क्यों काटा, जबकि वह पुरानी सहयोगी है पार्टी के अंदर। इसलिए सभी झगड़ा शुरू हुआ। इसका वो जवाब नहीं दे रहे कि सीएम निवास के अंदर कैसे पिटाई हुई।